जितने अच्छे बच्चे हैं उनको समझदारी है, वो रोज अपने आप को उठाते हैं और रोज मेहनत करते हैं। अगर आप में वो चीज नहीं है तो प्लीज डेवलप कर लीजिए, आज नहीं तो कल उसकी जरूरत पड़ने वाली है। जिनको टाइम की दिक्कत है, मैं आपको बता रहा हूँ, हर साल जो एक्सक्यूज बना के पीछे रह जाते हैं ना, फिर कहते हैं सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा। अरे भाई टाइम फिक्स है ना, किसको एक्स्ट्रा दिया है, किसको दिया है, क्या मेरे को दिया है, क्या टॉपर को दिया था मेरे टाइम पे, सबको बराबर मिला ना। अभी मैं अगर आपका सही बता रहा हूँ, अगर मेरे पास ये शक्ति होती ना कि मैं आपका पूरे दिन का चिट्ठा निकाल देता, आपके मुंह पे थप्पड़ पड़ रहा होता, उससे आपके मुंह पे थप्पड़ पड़ रहा होता इस बात से कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ। और अगर आप इस बात पे मान नहीं रहे ना, विद्या कसम खा लो और बोल दो कि आपने समय बर्बाद नहीं कर, मैं ये भी नहीं कर रहा एक मिनट दो मिनट एक घंटा, आपने समय बर्बाद नहीं किया, बता दो आप। तपस्या है ये, तैयारी नहीं है, तपस्या है, समय देना पड़ेगा आपको। आपने कभी स्कूल में टाइम वेस्ट नहीं किया, स्कूल में कितना टाइम वेस्ट किया आपने, गप्पे मारी है, खाली पीरियड वेस्ट करे किया है ना, किया है ना भाई। जब तक आप सोल्यूशन दूसरों में ढूंढते रहेंगे कभी नहीं मिलेंगे एग्जैक्ट सोल्यूशन, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही आपको सोल्यूशन देगा। ये रोना बंद करो भाई कि आपके पास समय नहीं है, इसी बैच से टॉपर निकलेंगे। आप मुंह देखना और कहना यार मेरे से गलती हो गई। ये हर साल आप कितनी वीडियोस निकाल लो, हर साल नीचे बच्चे लिखते हैं और ये वही होते हैं जो पूरे साल भर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर। कितना बार बोला, प्रोसेस आपका यही है। अरे भाई आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि 100% सारे एक एक क्वेश्चन आपके हो जाए। यार जब मैंने तैयारी करी थी मेरे तो कई चैप्टर छूट गए यार, चैप्टर ऑप्टिक्स छोड़ के गया था मैं, मैथ्स तो भाई साहब भूल, क्या मैं उस स्ट्रेस में अपनी और तैयारी ना करूं। लेकिन यस मैं हमेशा बोलता हूं कि मैंने जितना पढ़ा था उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ऑप्टिक्स का एक महीना लग रहा था, तो ऑप्टिक्स के उस महीने में मैंने अपनी मैकेनिक्स जो मेरी थोड़ी बहुत ठीक थी मैंने सुधार ली। यार एटीट्यूड डेवलप करो, ये रोने पीटने से काम नहीं चले। आपको एग्जांपल दे दे के थक जाएंगे, लेकिन आप प्रॉब्लम ये है ना, मैं इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि आज आपको मैं बोलूंगा आप 4 घंटे मोटिवेटेड रहेंगे, कल आपके साथ वही प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ, आप उसको लेके फिर रोते रहोगे और फिर बोलोगे सर कुछ बोल दो। जितने अच्छे बच्चे हैं उनको समझदारी है, वो रोज अपने आप को उठाते हैं और रोज मेहनत करते हैं। अगर आप में वो चीज नहीं है तो प्लीज डेवलप कर लीजिए, आज नहीं तो कल उसकी जरूरत पड़ने वाली। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड अब पता नहीं कितनों के अंदर है, मैं विद्या कसम खा के कह रहा हूं भाई, विद्या कसम, मैं इसी से ही मेरा घर चलता है और मैं आगे भी चल के इसी से ही अपना घर चलाना चाहता हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मेरे सामने टीचर ये बोलता ना इसमें वो चीजें आने वाली हैं जो हम लोगों ने पढ़ी है, मेरे मुंह पे स्माइल होती, चलो कम से कम खराब करी थी कुछ तो पढ़ लूंगा। मैं इस एटीट्यूड से सोचता था, टीचर कह देता था कि भाई ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं और खुश हो जाता था कि चलो कम से कम भाई मैंने तो उस समय नहीं पढ़ा, कम से कम टीचर पढ़ा रहा पढ़ लेते, समझदारी दिखा दो। ये वाला प्रोसेस बहुत ही चुनिंदा बच्चे करते हैं, उनको पता ही नहीं